फॉसिल पार्क आइए चलते हैं, फूड फॉसिल पार्क आकल दोस्तों जैसलमेर। वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको अनेकों स्थान दिखा रहा है दोस्तों। ठीक उसी कड़ी में हमने पूर्व में भी कुछ फूड फॉसिल पार्क आकल के अंदर हमारे जीव जंतुओं के बारे में बताया था। इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं 18 करोड़ वर्ष पूर्व जैसलमेर कैसा था। यह वैज्ञानिकों की भूगर्भीय जो हमारे शोध करता है उनकी कार्बेटिंग के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ कभी दलदलीय क्षेत्र हुआ करता था, आज यह जैसलमेर एक अलग स्वरूप में है। तो दोस्तों यहाँ जो संरक्षित है, यह जो आप देख रहे हैं, यह संग्रहित काष्ट जीवाश्म है। तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं, यह जो लकड़ी के पेड़ थे उसमें कटफड़ुआ के द्वारा किए गए निशान और जो जीवाश्म होते हैं, कीड़े हैं, वह लकड़ी में किस तरह से लगते उनके निशान भी आज साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वही पेड़ है जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े परिवर्तन के अंदर यह जमीन में समा गए थे, फिर पुनः यह भूगर्भीय उथल फसल के बाद दिखने लगे। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे जैसलमेर वन विभाग के द्वारा इसे संरक्षित किया गया। यह जैसलमेर से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे अहमदाबाद रोड जाने वाली डाबला ग्राम के पास आकल जोदा में संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था है, देखने के लिए बिल्कुल ही कम कहते हैं फीस या कहते हैं चार्ज पर यह आप संग्रहालय देख सकते हैं। यहाँ जो पत्थर है यह बिल्कुल लकड़ी की हूबहू आपको नजर आएंगे। तो यह संरक्षित स्मारक है और इसकी चारों ओर फेंसिंग की गई है और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों। तो यह जैसलमेर का आपका जो देखने का लक्ष्य है वह हवेलियाँ, रेत या अन्य, उसके अलावा भी जैसलमेर में कई चीज़ें हैं। तो आप अगर जैसलमेर आते हैं तो जैसलमेर को किस नज़रिए से देखते हैं वह आपका अपना है दोस्तों। यह जो आपको हट्स दिख रही है यानी कि आधुनिकता के साथ पौराणिक तालमेल और उसी के साथ यह वन, इसमें कई झाड़ियां हैं, बेर, कीकर और देसी बबुल, जाल और गूगल, कुमहट, केर, न जाने कौन कौन से पेड़। तो दोस्तों यह जीवाश्म संग्रहालय का जो एक पर्यटकों के लिए विशेष संग्रहालय बना के रखा गया है छोटा सा, यह पर्यटक स्वागत केंद्र जीवाश्म संग्रहालय, आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूं।
भीतर कुल 18 जगह पर जो पेड़ थे वो अभी फॉसिलों में कन्वर्ट किए हुए हैं, और कुछ सी फॉसिल भी यहाँ पर है और ओपन में भी फॉसिल रखे हुए हैं। 18 करोड़ वर्ष पहले यहाँ समुद्र था और बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ रेडवुड, देवदार, चीड़, उनके बड़े बड़े पेड़ थे। समुद्र सूख गया और बड़े बड़े जो पेड़ थे वो समुद्रों के तल के नीचे आ गए और उनके ऊपर मिट्टी की परत आ गई। फिर भूमिगत गतिविधि से ये वापस बाहर आ गए। तो 104 हेक्टर के अंदर कुल 18 जगह पर जहाँ पेड़ थे और अभी फॉसिलों में कन्वर्ट है वो अंदर है। ये जूलॉजिकल लॉ ने सर्वे करके इनकी एज का मालूम किया है कि ये कितने पुराने हैं। ये सभी 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। 81 और उसके बाद में कोई काम नहीं किया जा रहा है, और 18 जगह पर जो संरक्षित किए हैं वो 18 ही हैं, उसके बाद में कोई मतलब नहीं कार्य किया जा रहा है। देखने से, खोज करने से मिल भी सकती है, ध्यान रखते हैं इनका, और कोई फॉसिल वगैरह इधर उधर लेके नहीं जाए, इनकी निगरानी पूरी करते हैं, सुरक्षा के लिए बैठे हैं। निगरान के अंदर कोई फॉसिलों को नुकसान नहीं पहुंचाए, तोड़े नहीं, लेके नहीं जाए, इसी की निगरानी करते हैं पूरी। यहाँ पर एक तो एमू है, ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स हैं वो है, चिंकारे हैं और रोजड़े हैं, खरगोश है और नेवले हैं, ये सब है, मतलब पक्षियों में कई तरह की चिड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, हमने आज आपको दिखाया अकल फॉसिल पार्क। यहाँ पर कई पेड़ जो आज भी एकदम साफ नज़र आते हैं, उसकी हम लंबाई देखते हैं तो शायद वह हम इस क्षेत्र में अनुमान नहीं लगा सकते। इससे ऐसा महसूस होता है कि यह कई जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के बड़े बड़े वृक्ष हैं, आज सरकार ने इसको संरक्षित करके रखा है। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया अकल फॉसिल पार्क, ऐसी कुछ और भी चीज़ें हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमें राय भेजिए अपनी, ताकि हम आपकी इस इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, आपको कुछ न कुछ दिखाते रहें। जय हिंद।